नमस्कार प्रिय बच्चों, आज हम नवीन अध्याय प्रारंभ कर रहे हैं, लखनवी अंदाज। हमने पाठ प्रारंभ किया और हमने लेखक यशपाल जी के कृतित्व, व्यक्तित्व और पाठ के बारे में भी जानकारी प्राप्त करी। आज हम पाठ को प्रारंभ कर रहे हैं, तो देखिए। मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुकार रही थी। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। दूर तो जाना नहीं था, भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। जैसा कि आपको पता है कि यह एक व्यंग परक रचना है और बनावटी जीवन शैली पर कटाक्ष करती है, और इस रचना का उद्देश्य बहुत कुछ जो है इस कथ्य को या इस तथ्य को उजागर करना था कि बिना कथ्य के भी कहानी लिखी जा सकती है। लेकिन इसी क्रम में हमें यह भी इस रचना के माध्यम से पता लग रहा है कि यहाँ पे शानो शौकत वाली बनावटी जीवन शैली पर कटाक्ष किया गया है। तो लेखक ने सेकंड क्लास का टिकट लिया है, उनका उद्देश्य जो है वो एक अपनी रचना के या अपनी नवीन रचना के विषय में सोच सकना और नवीन रचना पर लेखन चलाना था। गाड़ी छूट रही थी, सेकंड क्लास के छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। निर्जन मतलब जहाँ कोई व्यक्ति ना हो। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के सफ़ेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे थे। सामने दो ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। मतलब लेखक की अपेक्षा थी कि वे कहानी लिखने के बारे में या नई कहानी के बारे में सोचना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सेकंड क्लास का टिकट लिया था। लेकिन उनकी अपेक्षा के विपरीत उन्हें सेकंड क्लास में एक नवाब साहब बैठे दिखाई दिए, और नवाब साहब की भी अपेक्षा ये नहीं थी कि कोई और व्यक्ति उस डिब्बे में यात्रा करेगा। तो दोनों की ही आंखों में असंतोष, लेकिन नवाब साहब की आंखों का असंतोष देखने योग्य था। यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो या खीरे जैसे अपदार्थ वस्तु का शो करते देखे जाने का के संकोच में हो, नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। जैसा कि मैंने बताया, नवाब साहब को लेखक का आना पसंद नहीं आया। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। ठाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है, नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफ़ायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो, और अब गवारा न हो कि शहर का कोई सफ़ेद पोश उन्हें मंझले दर्जे में सफ़र करता देखे। अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे, और अब किसी सफ़ेद पोश के सामने कैसे खीरा खाएं। तो हमें स्थिति का जो है अंदाज़ा हो गया है कि नवाब साहब ने भी सोचा होगा कि कौन आएगा सेकंड क्लास के डिब्बे में, और इसीलिए उन्होंने वहाँ टिकट लिया सेकंड क्लास का, और समय व्यतीत करने के लिए उन्होंने खीरे भी खरीद लिए। लेकिन अब परेशानी ये थी कि खीरे जैसी तुच्छ वस्तु को किसी ऐसे व्यक्ति के सामने वे कैसे खाएं। हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। ओह, नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया। आदाबर जनाब, खीरे का शौक फरमाएंगे? अर्थात उनको खीरे के लिए उन्होंने पूछा कि क्या वो भी खीरा खाएंगे। नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। भाप लिया, आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। जवाब दिया, शुक्रिया, किबला शौक फरमाए। मतलब लेखक से जब इतनी देर तक नवाब साहब ने कोई बात नहीं करी, और अब जब वो खीरे के लिए पूछ रहे हैं, तो लेखक को बहुत अच्छा नहीं लगा और उन्होंने यही कहा कि धन्यवाद, आप खाइए। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि नवाब साहब जो है बड़ा ही असहज महसूस कर रहे हैं लेखक को डिब्बे में पा करके, और लेखक जो है उनको भी ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही है। लेकिन यात्रा करनी है, दोनों ने टिकट खरीदा है, तो वो यात्रा कर रहे हैं। तो इस तरह से कहानी आगे बढ़ती है। धन्यवाद।